भारतीय रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने हाल ही में दौलतपुर से साबरमती तक प्रतिदिन चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दी थी। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और गुजरात से आने वाले संस्था के सदस्यों के लिए ये ट्रेन माउंट आबू आने के लिए एक सौगात हो गई है। संस्था के सदस्यों के लिए खुशी की इस बात के चलते ब्रह्मा कुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासिका राज्योगिनी दादी रतन मोहिनी जी ने रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी को धन्यवाद किया है। दादी जी की ओर से संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय ने माननीय अश्विनी वैष्णव जी को मोमेंटो और ईश्वरीय सौगात भेंट किया। इसके साथ ही संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण भी दिया। इस पूरी मुलाकात के दौरान संस्था के बीके प्रकाश, बीके सोमशेखर और बीके शिविका भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कल मुंबई में सुर सम्राट लता मंगेशकर जी के पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर जी की 80वीं पुण्यतिथि पर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुंबई के सायन स्थित षणमुखानंद ऑडिटोरियम में आयोजित इस सम्मान समारोह में ब्रह्मा कुमारी सायन सेवा केंद्र की बीके वंदना, बीके अनीता और बीके विजय भी उपस्थित रहे। समारोह के दौरान उनकी मुलाकात सुर सम्राट लता मंगेशकर जी की छोटी बहन एवं बॉलीवुड की महान प्लेबैक सिंगर आशा भोसले जी से मुलाकात हुई। बीके बहनों ने उन्हें संक्षिप्त में संस्थान की गतिविधियों की जानकारी दी। आपको बता दें, हृदयनाथ मंगेशकर जी के हॉस्पिटलाइज्ड होने के कारण कार्यक्रम का आयोजन उनके बेटे आदिनाथ मंगेशकर ने किया था, जहां पर बीके बहनों ने उनसे मुलाकात की। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार, ओम शांति।